हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सी स्लीव्स डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले स्लीव की नॉर्मल कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो स्लीव कटिंग की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आस्तीन की लंबाई 11.5 इंच है। अब जो आस्तीन में बॉर्डर है उससे आधे इंच ऊपर निशान लगाएंगे। अब उस निशान तक नाप लेंगे। मेरी आस्तीन में 9 इंच आया है। अब बॉर्डर के ऊपर साइड डिजाइन बनाएंगे तो उसके लिए पेस्टिंग पेपर को 9 इंच का कट कर लेंगे। इस तरह पेपर की लंबाई 9 इंच और चौड़ाई 3.25 इंच ली है। अब इस पेपर को लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे और बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन के दोनों तरफ 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों से नीचे तक लाइन बना देंगे। अब वीडियो के अनुसार लाइन पर ऊपर 0.5 इंच छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। पहला मार्क 2.25 इंच पर करेंगे। इसके बाद फिर से 0.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। ऐसे ही फिर 0.5 इंच पर मार्क करके दोबारा 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब 2.25 इंच वाले निशान के बीचों बीच सामने वाली लाइन पर मार्क करेंगे। अब वीडियो के अनुसार दोनों निशानों को मिलाते हुए डिजाइन बनाएंगे। अब इस डिजाइन वाले पेपर को एक कपड़े पर चिपका देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब आस्तीन के बीचों बीच एक लाइन बना लेंगे। पेपर के सेंटर को मिलाते हुए इस लाइन के ऊपर रखेंगे और जैसा कि वीडियो में बताया है उस तरह से डिजाइन पर सिलाई लगाएंगे। डिजाइन पर सिलाई लग चुकी है। अब इन पत्तियों की डिजाइन को कट कर लेंगे। इसके कॉर्नर्स पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। मैंने इसी तरह से बाकी सभी पत्तियों को काट लिया है। अब पेपर को अंदर फोल्ड कर देंगे और किसी नुकीली चीज से कॉर्नर्स को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और अब फाइनली आयरन करके सेट कर देंगे। अब इसमें मोती अटैच करेंगे। स्लीव्स का ये सुंदर सा डिजाइन बनकर तैयार है।
I hope you all like this Shilpi Giant. So that's all for today. Subscribe and follow Shilpi or Shilpakar on YouTube and Instagram for more such content.